हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं शेफ नितिन जैन एनजे सिंपली कुलिनरी में आपका स्वागत करता हूं। तो जल्दी से रेसिपी को नोट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज की डिश हम बनाते हैं, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं ट्रायंगल टाको, फ्यूजन का तड़का। सबसे पहले जो तोर्टिला होती है उसकी जगह हम यहाँ पे रोटी बनाएंगे। वहाँ का तोर्टिला फ्लोर नहीं है, हम अपने घर के मैदे से बनाएंगे। इसमें मैदा डाला है, नमक डाला है और थोड़ी सी चीनी डाली है। जो एक्चुअल तोर्टिला बनाते हैं उसके अंदर मांसाहारीना यूज़ किया जाता है, और भी उनके लोकल बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स होते हैं जो उसको वो यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया थोड़ा सा, आपके पास कॉर्न स्टार्च है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं कॉर्नफ्लावर की जगह। थोड़ा सा पानी डाला है, पानी जो है वो ठंडा होना चाहिए। इसका हम डो बना लेंगे, थोड़ा सेमी हार्ड डो बनाइएगा। और इसकी फिर रोटी बेलेंगे और उसको हम हाफ डन सेकेंगे और उसको ढक के रखेंगे जब तक कि हम अपना ट्रायंगल ना बना लें। अब इस आटे को हम ढककर थोड़ा रेस्ट देंगे। जब भी आप कोई डो लगाते हैं उसको रेस्ट देना जरूरी होता है। अब आधा कटोरी जो राजमा है इसको, जो कि सूख किया हुआ है एक रात के लिए पूरा, इसको हम उबालेंगे। इसको बिल्कुल भी मैश नहीं करना है और खड़ा हुआ भी नहीं रखना है, पर पूरी तरीके से उबाल देना है। तो दो या तीन सीटी तक आप इसको उबालेंगे तो ये घुट जाएगा जो कि आपने एक रात से भिगो के रखा हुआ है। अब इसकी सब्जियों को हम भून लेते हैं, जिसमें कि प्याज है आपका, मिर्ची है फ्रेश, आपका टमाटो है, कैप्सिकम है, आप चाहें तो इसमें लहसुन डालें। और बाकी इसके स्पाइस होंगे जिसमें कि रोस्टेड क्यूमन होगा, फाइटा सीजनिंग होगी, अगर वो नहीं है तो लोकली जो आपके पास पास्ता सीजनिंग होती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल ब्रॉथ या एरोमेट का एक स्पाइस आता है, एक सीजनिंग आती है, आप उसको यूज़ करें, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है क्योंकि उसमें सेलरी स्ट्रैक भी होता है। थोड़ी सी यहाँ चीनी डाल दी है और इसको हम डीग्लेस भी करेंगे जब ये पकेगा, तो उस टाइम पे इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस या फिर आप फ्रूट का सिरका डाल सकते हैं। ये देखिए भुना जीरा मैंने इसके अंदर क्रश करके डाला हुआ है और ये थोड़ा सा पास्ता सीजनिंग मिलाई हुई है। दोस्तों टाको की शुरुआत जो है 1880 में चालू हुई थी, जो कि मैक्सिकन लोग टेक्सास और कैलिफोर्निया की साइड मूवमेंट कर रहे थे, वो इसको वहाँ के लोकल लोगों को बेचते थे और धीरे धीरे फिर ये टूरिस्टों में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना चालू हो गया। मैंने अपने स्वाद के हिसाब से अभी जो इसके अंदर चिली डाली थी वो थोड़ी सी पेपरिका और ऐड करी हुई है, लेकिन रेसिपी में नहीं है, आप चाहें तो डालें आपके स्वाद अनुसार। इतिहासकारों की माने तो कुछ बुकों में लिखा है कि पहले टाकोस का जो आनंद है वो यूरोपियन ने लिया था। मार्केट में जो टाको मिलते हैं वो बेसिकली टाको शेल के रूप में मिलते हैं। यहाँ पे ये मैंने फ्रूट विनेगर डाला है, मेरे पास एप्पल विनेगर है, मैंने उसको डाला है डीग्लेस करने के लिए। क्यूमन का फ्लेवर, चीनी की मिठास और उसके बाद आपका जो सिरके की हल्के सा खट्टापन है वो आपको इंस्टेंट फर्मेंटेशन का फील देगा, क्योंकि मैक्सिको में जो भी तोर्टिला रोटी या बरितो या एंचिलाडा या जो भी उनकी चीज़ें बनाई जाती है उसमें जो बीन का पेस्ट डाला जाता है उसमें क्यूमन का फ्लेवर होता है, और जो बीन्स होती हैं उसको नेचुरली फर्मेंट किया जाता है जिससे कि उसके अंदर एक हल्का सा खट्टापन आता है। अब ये जो बीन्स हैं, किडनी बीन, इसको हम इस मिक्सर में मिलाएंगे और इसको थोड़ा मैश करेंगे, पूरा नहीं, थोड़े से चंक्स मुँह में आने चाहिए और थोड़ा मैश भी होना चाहिए। इसके सिरके या नींबू के जूस की वजह से इसके अंदर वो इंस्टेंट खट्टापन आ जाएगा, बट जो नेचुरल फर्मेंटेशन से जो खट्टापन आता है उसका टेस्ट और ही अलग होता है। तो जो टाकोज रेडीमेड मिलते हैं वो बेसिकली उनका जो फ्लावर होता है मांसाहारीना, उसके अलावा उसके अंदर कॉर्न का पेस्ट डलता है और भी बहुत सारी चीज़ें डलती हैं जिससे उसके शेल को बिल्कुल क्रिस्प किया जाता है, और उसको फोल्ड करके, जैसे रोटी होती है उसको हाफ मून शेप में फोल्ड करके और फिर क्रिस्प करके बेचा जाता है। जैसे कि हमारे पापड़ आते हैं सूखे कड़क और उसको हम सेकते हैं, वैसे ही वो शेल आता है और उस शेल को
उसके अंदर स्टफिंग भर के उसको आप पका करके देते हैं। जैसे ये मैंने स्टफिंग बनाई है, इस स्टफिंग को उसके अंदर भरेंगे, चीज डालेंगे और उसको सेकेंगे और फिर लोग उसको खाते हैं। तो टाको का पहला आनंद यूरोपियन ने, मिस्टर हरनाइन ने अपने कप्तानों के लिए अरेंज किया था। अब इस मिक्सचर को अच्छे ढंग से मिलाएंगे, इसके अंदर चीज भी मिलाएंगे। वहां पे जो चीज यूज करते हैं वो मॉन्ट्री जैक होती है, और भी उनकी बहुत सारी चीजें होती हैं, पर मॉन्ट्री जैक के साथ मिला करके जनरली टाकोस को खा के उसका आनंद और ज्यादा अच्छा आता है। अब ये जो मैंने 3 रोटी बनाई है उस आटे से, उसमें से मैं 1.5 रोटी का टाको ट्रायंगल बनाऊंगा, बाकी 1.5 रोटी जो है उसको मैं श्रेडेड करके उसका चिप्स बनाऊंगा और फिर उसको सर्व करेंगे। अंत में आप प्लेटिंग तक देखिएगा किस तरीके से सर्व कर रहा हूं। ये देखिए मैंने फोक की सहायता से इसको फोल्ड करके दबा दिया है। कॉर्नफ्लावर की वजह से और हाफ डन की वजह से ये आराम से चिपक जाएगी। ऊपर का हिस्सा हल्का सा खुला हुआ होगा, लेकिन उसमें कोई डरने की बात नहीं है क्योंकि आप इसको शैलो फ्राई करेंगे। बाकी बची हुई रोटी को मैंने छोटा छोटा काट लिया है और उसको जब मैं प्लेटिंग करूंगा तो आपको दिखाऊंगा। अब इस शेल को, जो आपके ट्रायंगल टाको ट्रायंगल बनाए हैं, इसको फ्राई करेंगे। ध्यान रखिएगा इसकी साइडें ढंग से चिपकी हुई हो। अगर आपकी फोक की सहायता से आपका नहीं मुड़ पा रहा है या नहीं चिपक रहा है तो थोड़ा सा इसमें आप पानी, गीला पानी लगा दें और फिर दबाएं तो वो अच्छे ढंग से चिपक जाएगा। जो फ्राइंग आप करेंगे उसको शैलो फ्राई करना है आपको मीडियम हीट पे। दोस्तों हमारे देश में कुछ डिशेस जो हैं वो मैक्सिको से इंस्पायर्ड हैं, जैसे कि हमारे देश की बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिश है राजमा चावल और छोले चावल, जो कि वहाँ से इंस्पायर्ड है। मैक्सिको की कुजीन में राजमा लगभग हर डिश में यूज होता है। यहाँ की कुजीन बहुत ज़्यादा यूनिक है, यहाँ के स्पाइस, यहाँ की चॉकलेट, यहाँ की चिलीज बहुत ज़्यादा अपने आप में यूनिक है, जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। देखिए वो ट्रायंगल फ्राई कर ली हैं, उसको साइड में रख देंगे। अब ये मैंने जो बाकी रोटी है उसके चिप्स काटे थे, जो कि आपका श्रेडेड किया था पतला पतला काट करके, अब इसको भी मीडियम हीट पे हम लोग फ्राई करेंगे, इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, ये एकदम क्रिस्पी हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग आप देखिएगा किस तरीके से हम सर्व कर रहे हैं। ये आपके ट्रायंगल रेडी हैं और आपके उधर चिप्स रेडी कर रहे हैं। इसके साथ बहुत सारे अकम्पनीमेंट होते हैं जो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा यूनिक और पॉपुलर हैं, जो सर्व किए जाते हैं। प्लेटिंग आप देखते रहिएगा। इसके साथ गोकामोले जाता है, जो कि आपका अवाकादो से बनता है। फिर एक सालसा जाता है टमाटो का, जो कि अपने आप में उसकी प्रिपरेशन एक अलग ही तरीके से होती है अगर आप प्रॉपर वे में बनाएं। फिर सार क्रीम जाता है, जो कि एक खट्टी क्रीम है। आप इसके अंदर, अगर आपके पास सार क्रीम नहीं है, तो आप जो दही होता है उसको थोड़ा फेंट करके, जो कम खट्टा है वो इसके ऊपर डाल सकते हैं, वही यूज़ कर सकते हैं। सालसा के लिए, आप सालसा नहीं है तो आप पिको दे गावो बना सकते हैं, जैसे कि आप टमाटो चॉप कर लिया, उसमें अनियन चॉप कर ली, धनिया कर लिया, चिली चॉप कर ली, लेमन जूस, ब्राउन शुगर डाल करके वो बना लिया, उसका नेचुरली जूस निकलता है, उसके साथ आप खाएं, उसका खट्टा मीठा टेस्ट और आपके टाको की क्रिस्पीनेस बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। देखिए दोस्तों, मैं एक बात मानता हूँ कि जो भी खाना आप बनाते हैं दिल से बनाते हैं, उसको आप बनाएं और उसको बनाने के बाद उसी तरीके से आप उसको सर्व करें। सर्व करने में जो पहली प्रेजेंटेशन होती है वो अपने आप में बहुत यूनिक होती है और उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और उसके बाद आपके खाने का टेस्ट तो अच्छा है ही। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बेल इंडिकेशन दबाना मत भूलिएगा मेरे अगले वीडियो के अलर्ट के लिए। मैं शेफ नितिन जैन NJ सिंपली कुलिनरी में आपका स्वागत करता हूँ, और अब आपसे मैं मिलूँगा मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। NJ Spend less, eat best. See it, try it, make it, serve it.